अलीगढ़ के एसडीएम रंजीत सिंह के नेतृत्व में एफडीए व बाट माप विभाग की टीम ने थाना दिल्ली गेट क्षेत्र के मेघ विहार में छापेमारी कार्रवाई के दौरान रिफाइंड ऑयल फैक्ट्री का संचालन करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया, जिसमें हजारों टीन अवैध रिफाइंड भी बरामद की है। छापेमारी कर गोदाम को सील कर दिया गया। अब वाणिज्य कर विभाग की एसआईटी टीम को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एसडीएम को सूचना मिली कि जमालपुर पुलिस चौकी के पीछे एक बिहार कॉलोनी में नकली घी बनाने का धंधा चल रहा है। सूचना के आधार पर एसडीएम शाम के समय एफडीए व मार्ट विभाग की टीम के साथ उक्त स्थान पर पहुंचे। यहां कृष्णा ट्रेडर्स के नाम से संचालित फैक्ट्री में रिफाइंड तैयार करने के साथ ही पैकिंग का काम भी किया जा रहा था। कई कंपनियों के ब्रांड की रिफाइंड तैयार की जा रही थी। तेल रिफाइंड के हजारों टीन गोदाम में भरे पड़े थे। बाट माप विभाग ने कागजातों की जांच की तो पता चला कि फैक्ट्री का पंजीकरण तो है ही नहीं। बाट माप विभाग ने मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की। शहर के अन्य जगहों पर भी मिलावट का धंधा चल रहा है। नकली घी रिफाइंड तैयार होती है। जरूरत है तो ऐसे मुनाफाखोरों के प्रति अभियान चलाकर कार्रवाई करने की। मुझे जानकारी ये मिली थी कि यहाँ पर नकली घी बनाने का कारोबार चल रहा है। मुझे गोपनीय सूचना मिली, मैंने यहाँ पर आकर के देखा तो ये पता चला नकली घी तो नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन ऑयल या पामोलिव ऑयल के नाम पर यहाँ कई तरह के डिफरेंट टाइप की कंपनियों की पैकिंग हो रही है। मैंने फूड एंड सेफ्टी वाले बुलवा लिया है, वेट एंड मेजरमेंट आ रहे हैं, जीएसटी वाले आ रहे हैं। ये सभी लोग अपने अपने विभाग से संबंधित जांच करेंगे और जांच करके रिपोर्ट देंगे। अगर ये गलत होगा तो इनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा, जुर्माना किया जाएगा। किसका गोदाम था ये? कोई कृष्णा ट्रेडर्स करके हैं, जिसमें राजेंद्र जी उनके पिताजी हैं और लक्ष्मण वार्ष्णेय नाम है उनका, जिनके नाम से लाइसेंस है।